भाइयों राम राम। आज फिर आपका चैनल रियल बाबा वॉइस में राम मेहर दुब्बल धन के साथ और सुबह सिंह के साथ। भाई राम राम। सुबह राम राम जी। राम राम भाई। राम राम। राम राम जी। सुबह सिंह नमस्कार। राम राम। पहले सुबह भाई आपसे शुरू करते हैं। हाँ जी। सुबह भाई आपका गांव पुरखास। पुरखास। हाँ जी। पुर वा मंगेराम जी आली पुरपणची। हाँ वा पुरपणची उड़े हैं। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? सोनीपत। डिस्ट्रिक्ट सोनीपत। तो पहले तो ये बता दो कि आप सांग में काम करो। हाँ। के काम करो सांग में? मैं पेटी भी बजाऊँ हूँ। अच्छा। और मैं नकली मर्दाना भी। अच्छा नकली मर्दाना। तो सुबह भाई किस उम्र में आपने यो इस लाइन में आए आप? 10 साल का। 10 साल की उम्र में जब स्टार्टिंग करी। हाँ। किसके सांग में करी? पंडित जी सुल्तान सिंह के साथ। कितके थे पंडित जी? रोध के। रोध के पंडित। हाँ। सुल्तान। हाँ। अच्छा अच्छा। तो वहाँ उस टाइम आपने के रोल कराया? के काम कराया? रागनी गाई शुरू में। हाँ। बैठ दिए। हाँ। अच्छा तो ये जो रागनी गाना आपका शुरुआत थी, रागनी आप विरासत में पूर्वजों से मिली क्या? आप अकेले ही हो जो काम करो? आपके बड़े भी करे आदमी? हाँ हाँ। मेरा चाचा मर्दाना था। हाँ जी। नकली। और मेरा चाचा एक ढोलक बजावा था। के नाम थे उनके? जो नकली था वो था बारू। हाँ। और ढोलक बजावा था वो था मंगलू। बारू और मंगलू। हाँ। अच्छा उस टाइम के वहाँ से शुरू हो जाओ आप, नकली पे आ जाओ। हाँ। क्योंकि आप नकली का रोल करो। हाँ हाँ हाँ। बारू मंगलू। और फिर आ गया सुबे। हाँ। और किन किन सांगा के चाहे कोई से भी सांग के हूँ। हाँ। नकलियाँ के नाम बता सको? हाँ हाँ। एक कबरा है भी हार का। ओ कपूरा। अच्छा वो कित कर रहा? वो आड़े का कलोई का। कलोई का। वो मारा 24 में प्रसिद्ध। हाँ, है। हाँ 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 हाँ। राय जी के साथ खूब रहा है। हाँ, हाँ, एक मेरा ससुरा था उसका क्या नाम? चंदन। वो कित मदाने का। मदाना चंदन। हाँ। अच्छा अच्छा धनपत जी आए साथ। हाँ हाँ हाँ। अच्छा बड़ा नाम है उनका। अच्छा और बताओ नकली तो 3-4 तो ये होगी। और जी एक स्वरूपा था। अच्छा जी। पंडित जी तुलेराम के साथ। तुलेराम जी के साथ स्वरूपा। हाँ। अच्छा अच्छा। रोने का। अच्छा अच्छा। सुबह भाई। हाँ जी। मैं उड़े खड़ा हूँ जब 10 साल के आप थे और आप स्टेज पर आए। पहली बार जब स्टेज पर चढ़े तो जो बेड़े बन लोग थे एक बार तो बच्चे ने भय लग गए। हाँ हाँ। के गाओगा के ना गाओगा? वो जो रागनी गाई वो भजन गाया आपका याद है वो? हाँ हाँ। कौन सा भजन था? दो भजन थे। हाँ। एक तो यो था मेट मेरी भूल मनसा देवी तू न ले रे आली। अच्छा ये माई रानी का भजन। हाँ हाँ। अच्छा मनसा माई का। अच्छा अच्छा। और एक यो कृष्ण मुरारी मारी वेदना न मेट। यो तो बीवी प्रचलित। हाँ हाँ हाँ। वह जो भेंट थी ना वो आप पलड़ी बताओ थे। मेट मेरी मनसा देवी माई रे। मेट मेरी भूल मनसा देवी तू न रे आली। न रे आली रे। इसने थोड़ा हल्ला में लेस को। हाँ हाँ। जुकराबा बैठक में बैठ के नहीं कहा नू ये बता इसको बताइयो। मेट मेरी भूल मनसा देवी तू ननेरे आली। मेट मेरी भूल मनसा देवी तू ननेरे आली। माई मेरे हाथ शीश पर धरिए माई मेरा ज्ञान सिरदा भरिए। करिए कबूल भेंट लाया सोम तेरे आली। मेट मेरी भूल मनसा देवी तू ननेरे आली। रहती दुर्गाओं के थी जन्म मारे असर चढ़ी जे बरन में। तेरा बनम घर ने जमूल हे भर जंगल के मडेरे आली। मेट मेरी भूल मनसा देवी तू ननेरे आली। रह थी दुर्गाओं के थी जन्म मारे असर चढ़ी जे बरन में। तेरा बनम घर ने जमूल हे भर जंगल के मडेरे आली। मेट मेरी भूल मनसा देवी तू ननेरे आली। लक्ष्मी चंद पता टोएंगे विरथा जिंदगी ना खोएंगे।
वृथा जिंदगी ना खोएंगे, मेरे सफल होएंगे वसूल रक्षा, रहे गई जो तेरे आली मेट मेरी भूल मनसा देवी तू ननेरे आली। सुबह भाई इस वीडियो ने भूल जा वीडियो बनावा, मजा आ गया। अरे भाई यह भेंट सुन के, भेंट जो मैं जो ध्यान देता हूँ ना, जैसे हाँ। मांगेराम जी आने गंगा मैया गाई, हाँ हाँ भेंट में गंगा मैया अंदर टहर दे, तो यह जो आपने बताई ना, अच्छा इससे थोड़ा आगे चलाएं दो कदम, आप 10 साल के थे, आप स्टेज पर आए अरिया भेंट गाई, उस टाइम कितनी पब्लिक हुआ जी, क्यों हुआ आपका? खूब पब्लिक होया करती थी, जब तख्ता पर जाते, जब हटिए 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 नौकर का जाते थे। अच्छा और वो मैंने उसे जगन तक बात करी थी, जगन है ना बाल उठाड़ा, मैं कती ग्राउंड पा रहा हूँ, इस वीडियो की तरफ ध्यान नहीं दे रहा, या जो भेंट सुनी ना वह बात याद आ गई, जो आपने कोनो पब्लिक ज्यादा थी, जगन बालोठ वाले जगन लाडोताला, हाँ। लाडोताला जगन जी तो मेरा 5-4 दिन पहले बात हुई थी, और न्यू बोलिया उस कब्र थी के नाम ले होते आप कपूरा, हाँ। कपूरा थी धनपत, न्यू बोलिया एक बार पब्लिक माइंड है थोड़ा, हाँ न्यू बेरा लाग जा धनपत आ रहा ये सच्ची बात, हाँ, हाँ, हाँ। इतनी पब्लिक बिल्कुल, अच्छा यानी पब्लिक बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा थी। पहले तो मैं बताऊँ ना, साधन दे जाते जब भी हटिए भाई रहे हटिए, हाँ। पहले मैं पब्लिक आने बैठे थी, यानी उस टाइम के हीरो थे, हाँ। चाड़ा पाड़ दिया, ई बुढ़े आ जा 10 साल का था, आप स्टेज पर आए, आपने 2 भजन गाए, एक यो और दूसरा बताया कृष्ण मुरारी मारी वेदना ने मेट, उस बेड़े में किसके बेड़े में थे? पंडित सुल्तान के साथ, सुल्तान जिया के साथ, सुल्तान जिया का बेड़े में कौन कौन थे उस टाइम? साजन दे, सारे ही जो स्टेज पर साजन दे, तो सुल्तान ने छोड़ के साजन दे, सुभान बाजे आला, सुभान बाजे आला, यो कित का था? बुवाने का, बुवाने का, अच्छा। एक भिखन सारंगिया, भिखन सारंगिया, हाँ, हाँ। और एक सब्बीर बुवाने का है सारंगिया, सब्बीर, अच्छा। और जी ढोलकिया मेरा चाचा मगलू, मगलू, हाँ, मंगलू पुरखास का, पुरखास का, हाँ। रिसाले कंधावलिया नंगारची, हाँ, रिसालिया नाम सुने, हाँ, हाँ, हाँ। ये तो थे साधन दे, अच्छा अच्छा, हैं। फिर ब्रह्मा नाचनिया, नाचनिये दो रकाने होंगे, हाँ हाँ, दो तीन उड़े भी छह सात थे, अच्छा। एक ब्रह्मा था, फिर ये पंडित लक्ष्मीचंद जी, हाँ 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 हाँ, अच्छा। ये कितका था? ये बड़ोली का, अच्छा, बड़ोत बड़ोली, हाँ हाँ, अच्छा। ब्रह्मा धारे, हाँ। और रमेश, हाँ। रमेश कितका था? रमेश आसाव देगा बामन, अच्छा। और जम्मन, जम्मन, सरूर पर का जम्मन, ये वो है जो जाब में शांत, हाँ 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 हाँ, अच्छा। कमाल का संगीत नाचा करता है कसुता, एक बलबीर यू खोखरी आला, बलबीर खोखरी आला, बलबीर के मारे पड़ोस में है, हाँ। और जी एक हरिशंग था, हाँ। आड़े का खंजावले का, हाँ। तेली का, हाँ। एक बड़ोली का था हरिशंग, वो था राम सिंह, राम सिंह, हाँ। ये नाचनी ये थे, मारा चाचा बारू जो था वो नकली मर्दाना था, हाँ। राम मेरे भाई, एक बार दो एक बात आप तो भी शुरू कर लिया, हाँ। आप बड़े भाई हमारे, उड़े आ जाओ जो करिए थे 10 साल के स्टेज पाए थे, मैं बात कर रहा हूँ कि वो राम मेरे जब बच्चा था और अपनी लाइन शुरू करी, कितनी उम्र थी, कड़े शुरू करी? भाई मैं 8-9 वर्ष का था, हाँ। मेरा बाप सांग में रहा करता, कवि था, अच्छा। आपका गांव? मेरा गांव असली तो है बरौदा बटाना, बरौदा बटाना, अच्छा। और दूबड़धन मेरा नानका है, अच्छा अच्छा। मेरा बाप देड़ी, जब मैं 1 महीने का था, हाँ, हाँ। जब मेरा नाना का कोई औलाद नहीं था, हाँ। तो मेरे बाप को घर जमाई ले गया, अच्छा अच्छा। और मैं 1 महीने का मेरा जन्म बिठाने का है, और दूबड़धन में रहा हूँ मेरा बाप के साथ, दो बड़े धनोड़ जोड़ो, हाँ जी,
अच्छा, आपका काम पेटी बजाने का? नहीं, मेरा काम पेटी बजाने का तो बाद में होया है। अच्छा, तो मेरा बाप सांग में जाया करता। अच्छा, और मेरे गुआंड में सांग आ रहा था स्वरूपलाल का। स्वरूपलाल? हाँ, टटोली के। हाँ हाँ, ठीक है। मांझीराम जी के चेले। हाँ, पहले वो मेरा गुरु स्वरूपलाल दादा रतिराम के पास रहा है, उसको सीखा सांग। अच्छा, फिर मांझीराम जी के पास रह करके पार्टी बना ली। अच्छा, तो मैं लाडला था, मेरा बाप मैंने सांग दिखान ले गया। अच्छा अच्छा, वहाँ देख करके मेरा जी लग गया उसमें। हाँ, मैं सबको देखता रहा। हाँ, एक दो दिन डटिया। हाँ, मैंने एक दो रागनी याद होगी, मेरा कली याद होगी, एक आधी याद होगी। राम मेरे भाई। हाँ जी, मैं वह रागनी बुझ हूँ जो सबसे पहली बार गाई आपने, सबसे पहली बार स्टेज पे, नीचे नहीं। हाँ जी, स्टेज के ऊपर, याद है कि मैं? हाँ, तो मैंने एक मेरे बाप की बनाई हुई रागनी थी। अच्छा, अच्छा। नरसी शेठ की। अच्छा, अच्छा। तो मैं तो गाई, बाकी मैं याद पाओगी। हाँ, पूरी कली तो याद नहीं पाओगी मेरे याद। अच्छा अच्छा, क्योंकि आज की बात नहीं है। एक कली भी याद को नहीं? हाँ, मैं देखता हूँ। एक कली तो याद होगी। तो वो जब वो नरसी सेठ उड़ जाता है गंगा जी पर। हाँ, और सेठानी कहने लगी कि मेरे को नुहा गया, सेठ इनकार कर गया। वो रागनी बना रखी थी मेरे बाप ने। इतने दिन होए आई न कद गंगा जी नुहाई ना। तरज ले टेक टेक ले दे। इतने दिन होए आई न कद गंगा जी नुहाई ना, अरे चुप की हो कह बैठ सेठानी की तब हम कह दवाई ना। या दुनिया गंगा जी का मेला बरता, दूर दूर तक नाम कह, अरे मेला मेली पीसा झेली धक्का पेली काम कह। तो इस तरह से जो बोल थे। अब ये तो बहुत पुरानी रागनी होनी। पिताजी के नाम बता दिया? ओ, अमर सिंह नाम था उसका। अमर सिंह, श्री अमर सिंह जी। अच्छा, अच्छा, वो कविता कराया करते थे, तत्काली भी थे। हाँ, और उसने कविता भी करी। वो मेरे गुरु के स्वरूप लाल के सांग में यही काम करता था, नकली मर्दाने का। अच्छा, तो मेरे ये शौक लग गया। मैं रहा, फिर मैं पढ़ान बैठा दिया उस टाइम। जी बड़े बड़े बालक पढ़िया करते, आठ नौ वर्ष के हो जाते जब पहली में नाम लिखा करते। तो मैं तीन साल तक पहली में रहा। मेरा ध्यान उसी में हो गया जब मैं मतान आऊ, जब मैं सांग में चला गया। और फिर सांग में जा गए, फिर नाम लिखवा दे, मैं तीन साल तक पहली में रहा। फैल हो गया। हाँ, मैं फैल हो गया। आगे पढ़िया नहीं, बाकी मेरा ये शौक लग गया। मेरे शौक हारमोनियम का लग गया। अच्छा अच्छा, ये बजाते दिखेंगे बने। मैं फिर गारिया के बना बना खेलने लग गया। अच्छा अच्छा, फिर मेरे बाप ने एक हारमोनियम ले दिया मेरे लिए खातर। और मैंने फिर मैं उसके पीछे पढ़ लिया। फिर एक उस्ताद थे बसाण के, कुतुबी खां, बहुत बढ़िया सारंगी हुए हैं। कुतुबी खां सारंगी वाले? हाँ जी। अरे मेरे भाई। हाँ जी। सुबह भाई आप भी बताइए ये कि मैं लोप सी नहीं होगी? हाँ जी, हाँ लोप होगी। ये बहुत एक नंबर का साज, अष्टा साज है ये। अष्टा साज है, इसको याद नहीं होती, बजानी नहीं आती। इसकी कम से कम 15-20 साल तो सीखने में लग जाते हैं। और इस साज को वही सीख सकता है जिसको पूरे लय सुर का ज्ञान है। घना सुरीला आदमी सीख सके इस समय। इतने तार हो हम वो सारे इसमें तो हथगेल बजा खटका तो होंगे ही नहीं। हाँ, ये तो बनाना पड़ते है, उंगलियों से तरह धुन बनानी पड़ती है। मेरे भाई सारंगी बजाई कर आपने? नहीं, मैं बजाई तो नहीं, बाकी उस्ताद के हम पैर बोचिया करते, सेवा कराया करते। बाकी एक आधी में लुकमा छुकमा हम पीछे से छेड़ लिया करते। हाँ, वो थोड़ा थोड़ा न्यू ज्ञान जरूर हो गया भाई, ये तर्ज ऐसे कट रहे हैं, लेकिन उसका सीखना तो बहुत कठिन काम। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी घना साज की बारीकी है, कोई तो सारंगी है सॉफ्टवेयर, जिसको जिसको आम आदमी नहीं बजा सकता। तो हारमोनियम
का भी शौक मैंने वहाँ रहते रहते हो गया था और उन उस्तादों के पास मैंने सीखा। वहाँ मेरा गुरु सांग कराया करता स्वरूपलाल, उसके साथ वो सारंग जा रहा उस टाइम जो स्वरूपलाल जी का सांग था बेड़ा था। हाँ जी, उसमें कौन कौन थे आपने कुछ उसमें? हाँ जी याद है, एक तो जी मुंडलाने के नानक थे ढोलकिया, नानक ढोलकिया मुंडलाने का, और वो ऐसे ढोलकिया पहले धनपत के साथ रहे वो। अच्छा, धनपत सिंह के मेन ढोलकिया थे। अच्छा, फिर उन पर बुढ़ापा आ गया, वो फिर स्वरूपलाल के पास। पेटियाले कौन थे? पेटियाला एक जम्मन होया करता मुंडलाने का जम्मन, और जी आप इनके नाम लेवाए सारे। हाँ हाँ, एक रसपाल होया करता उस्ताद नानक का भतीजा था, दो पेटी वाले थे, एक सरंगिया था, कलाट नहीं होती थी ये, कलाट नहीं होती नहीं, एक सरंगी दो पेटी और ढोलक नगाड़ा। नगारे पर कौन थे? नगारे पर था उस टाइम में जी एक गढ़ी का था जहूर, जहूर गढ़ी का। हाँ, गड़ी का था जहूर, कुंडल वाली गड्डी का, कुंडल वाली गड्डी का, और नंगारची था उस्ताद नानक ढोल गया था और स्वरूपलाल सांगी था। फिर उसके बाद नाचनी है, नाचनी है जी एक उसका भाई प्यारे होया करता जो जनाने रोल पर था, मैं रानी के रोल पर। एक उस उस्ताद कुतुबी का लड़का था चंद्र चंद्र, वो कपड़े पहरा करता। एक बनी सिंह था हमारे गुरु का शिष्य, एक उसका भाणजा था स्वरूपलाल का निदाने का। सुबह भाई हमें दो दो मिनट बारी बारी आवांगे बाप पा आगे, किस किस संग में काम करे आपने? हमने जी यो बलमंजपणजी सुल्तान के साथ रहे। हाँ, उस टाइम आप गबरू थे? हाँ, फिर मैं खिम्मा के ले रहा, खिम्मा गोरडिया। हाँ नहीं, फिर क्या क्यों कर या लेन दूसरे ये भजन न्यारे वो न्यारे। पेटी बजाई। अच्छा, पेटी बजाई टेक बोलनी यार, पेटी बजानी है। अच्छा अच्छा, फिर उस दोरा रहा, फिर जमन के ले रहा। अच्छा है, और जी फिर आड़ा आ गया। हाँ, फिर आप आड़ा आ गए? आड़ा मैंने 50 साल हो लिया। अच्छा, ये 50 साल आड़ा हो लिया। नहीं, संगीत और भी तो हैं जैसे रामकृष्ण व्यास। हाँ, रामकृष्ण व्यास भी संगी हुए हैं। उड़े भी रहे? ना उड़े नहीं रहे मैं। अच्छा अच्छा, है उसके भाई दोहरा रहा महावीर दोहरे। अच्छा अच्छा, महावीर दोहरा। हाँ, उसके भाई ने बेटा बन दिया। हाँ हाँ, बन गया। अच्छा, केदारे दोहरा रहे अरे करसोलिया केदारा। हाँ अच्छा अच्छा, एक कड़वे का था वो था तो उसका लालचंद व्यास उस धोरा रहा। अच्छा, माई चंद के ला रहा है, चंदन ब्राह्मण के ला रहा है। यो कितका था? आड़े का बजाने का, बजाना चंदन। हाँ, लक्ष्मी चंद का चेला था। अरे बेरी का भी होया कोई संगी? हाँ, बेरी का होया था। यो के नाम इसका तोता, तोता भी होया रो माता जी ने रो, वो भी था जोगी का भगत 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 मेरी का। अच्छा, भगत नाम था। तो ये आप दोनों पेटी मास्टर हो, पेटी पर आ जाओ। हाँ जी, उन चीज़ छोड़ के पेटी पर। हाँ जी, पेटी जो बजाई जाती है संगीत अलग अलग जगह का अलग अलग होता है, जैसे बम्बई में फिल्मा का वहाँ भी पेटी बजती है, वो अलग बजती होगी, मने तो ज्ञान नहीं है, मैं तो बूझ सकूँ हूँ। सांग की अलग है, कव्वाली की अलग है, और जागरण आगे, कितनी श्रेणियाँ हम बांट ले तो बट सके हैं। तो आप न इन पेटियाँ में क्या फ़र्क बता इसको, उसकी उड़े पेटी नारी बाजा, उड़े नारी बाजा, जुकर ढोलका में ढोलक बजाने में फ़र्क हो है, उनका ढोलक का अलग है, बाज में फ़र्क है। हैं, बाज में फ़र्क है। अच्छा, हमारा फोक जो है हरियाणा का, हाँ इसका अलग बाज है। अच्छा अच्छा, और जो फिल्म वालों का है हाँ उनका अलग बाज है। अच्छा अच्छा, हालांकि बेशक हारमोनियम हो, हाँ वो हारमोनियम की जगह ऑर्गन लेते हैं, हाँ जिसमें कई आवाज़ होती हैं। हाँ हाँ, और फिर वो एक एक पीस लेते हैं सबका,
हमारा साथ बसता है ये। यानी आपने गायक के साथ लगना पड़ा है ये बात, और वहाँ गायक जो है साज के साथ चल चल है ये बात, यो फर्क है ना। हाँ, हाँ। एक मैं बार बार सुनने में आवा है सुबह भाई आप तो खलीपे हो गए भारी, ये शास्त्रीय संगीत किसने कहे हम सुना सुना। हाँ बोला यो फोक और वो शास्त्रीय। हाँ। यो क्यों शास्त्रीय संगीत जो होता है ना। हाँ। ये पक्के राग को कहते हैं। अच्छा, ये जैसे कि सारे गामा, सारे गामा पादा नी सा सा नी दा पा मा गरे सा, इनकी सभी में वैसे सारे गामा पादा नी सा। शास्त्रीय संगीत वो हो जो मतलब जैसे का नाम इलेक्ट्रिक गिटार है, एक जैसे इलेक्ट्रिक गिटार है, करम सुरमंडल है, और जी का नाम एक वो उसको सितार बोलते हैं, सारंगी बोलते हैं, और का नाम हारमोनियम भी है। इन पे जो तबला और जी का नाम ये पखावज होती है। हाँ। ये एक पक्का बहुत ज़्यादा संगीत है, ये इन फिल्म वालों के पास मिलता है ज़्यादातर। ये तबला बजता है। हाँ। और जल तरंग बजता है। हाँ। और ऑर्गन बजता है। उन पक्के साज बोल रहे हैं। पक्का तो ये भी है, पक्का ये भी है, पक्का तो ये भी है। पक्का साज यो है, जैसे क्लासिकल बोल रहे हैं ना, जैसे हमारे हरियाणा का फोक है भाई, रागनी है हमारे हरियाणा की। ये वीडियो वाले फिर मेरे पे कमेंट भेजेंगे। मैं पहले एक बात बीच में एक सेकंड लूंगा, क्योंकि आप भी सांग में काम करो हो। आपका शुभ नाम? मेरा नाम वैसे तो जी मोहम्मदन हिसाब से तो मेरा नाम उम्मीद हसन है, लेकिन मैं जो गुरुजी के पास मेरा गुरुजी ने मेरा नाम रखा था धूमल। धूमल? हाँ, धूमल के नाम से। धूमल गांव? गांव मेरा मुजफ्फरनगर के पास है, यूपी में, उत्तर प्रदेश में, तावली। अच्छा जी, यहाँ क्या रोल आपका? यहाँ तो जी पहले तो मैं जनाना पढ़ना गाता था, जनाना बन के कपड़े पहनता था। अब मैं मतलब मर्दाने भेष में रहता हूँ। जैसे आप यहाँ आ जाओ, आप यहाँ आ जाओ, आपकी जरूरत हमने, हम गणा वीडियो पे ध्यान ना दो, हम तो बतलान खतरा आ रहे हैं। आड़ आ जाओ, मैं तो बात कर रहा हूँ वैसे वैसे। आराम, मेरा वाली सीट ले ले। ना ना, ऊपर। अच्छा, यहाँ क्या रोल है जी आपका? यहाँ तो जी मतलब जैसे कि मैं पंडित जी मतलब भाई मैन रोल कर, मानी यानी साइड हीरो, साइड हीरो मान के चलो, साइड हीरो। हाँ जी, हाँ, जैसे जनाने मर्द बड़ा रकाना छोटा रकाना। हाँ जी, हाँ, जैसे मतलब भाई बड़ा जनाना छोटा जनाना, और जैसे पंडित जी हैं साइड हीरो मान ले तो उनकी। तो इस सांग में जो रागिनियाँ हैं ये तकरीबन याद होंगे आपके? हाँ जी। अच्छा, कल कौन सा सांग कराया था भाई साहब? कल तो जी उसका करा था, क्या नाम, शाही लकड़ारे का तीसरा भाग। शाही लकड़ारे का तीसरा भाग, तीसरा और आखिरी, तीसरा और आखिरी। हाँ। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, मैंने ये देखा कि सांग में एक रागनी सी है जिसमें पूरा सांग समेटा जा है, सारे में ना होते एक आदि में, जो एक रागनी, एक रागनी में पूरे सांग का वृत्तांत आ जाता है। हाँ। लकड़ा में भी ऐसा कुछ है? माता ने बनवास उसमें है रागनी। हाँ, कौन सी रागनी? माता ने बनवास टोलिया, बेटा जन का दाग धो लिया, आठ साल का। इस पे सांग में कौन सी तर्ज ली जाती है? हमने तो माता ने बनवास से टो लिया, बेटा जन का दाग धो लिया, जब आठ साल का पूत हो लिया, माँ मर की कंगाल की, माँ मर की कंगाल की। ये मतलब है कि कल्याण दो भाई साहब। अच्छा, हाँ, या वीडियो बोरिंग हो जाए, बात बात बीच में एक रागनी आ जाए ना। वो एक दिन हंडत अपनी दामे, लकड़ी तोड़ने की निगाह में, फिर राह में दो सिपाही मिल गए, गाल तकड़ी गल में गल गए, कुछ कर्मा के पसे ढल गए, बात हुई नए चाल की, मामरगी कंगाल की। वो सिपाही थे बेकूप, उनने छाया गिनी ना धूप, राजा राय सिंह भूप अकल बंद अक्षत्री, जिसके बिना जन्मी पुत्री, और शान सकल की इतनी सुतरी, थी 17-18 साल की, मामर की कंगाल की। क्यों
चलने दो ना इतना होता है थोड़ी पता नहीं पड़े ना उसमें अच्छा 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 रोटी खाए रोक दिए भाई ने।